नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृद्धि आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एडल 28 के बारे में, जो कि आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती है। अब आप लोग कहेंगे कि हाई कोलेस्ट्रॉल है तो क्या ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से आपको किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और क्यों ज़रूरी है कि आप जो है अपने हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें। दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से आप लोगों को हार्ट की डिज़ीज़ जो है बहुत जल्दी होने का डर रहता है। अब आप लोगों को एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारी हो सकती है, या स्ट्रोक्स आने शुरू हो सकते हैं, या कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ वगैरह आ सकती हैं, और साथ ही कोरोनरी थ्रोम्बोसिस वगैरह होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, जो आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, इनके कारण क्या होते हैं? एक तो ये कि आपका जो ब्लड के अंदर हाई लिपिड्स हो जाते हैं, या आपके ब्लड के अंदर जो है लिपोप्रोटीन्स के लेवल हाई हो रहे हैं, या आप लोगों को डिसलिपिडीमिया की दिक्कत आ जाए, यानी कि लिपिड्स या फिर लिपोप्रोटीन्स के लेवल्स के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस आ रही है, तब जो है आपका हाई कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर पाया जा सकता है। अब इनके पीछे कारण क्या है? आपके शरीर के अंदर अगर लिपिड का या लिपोप्रोटीन्स का कंटेंट लेवल जो है वो बढ़ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों, अगर हम लोग जो है जंक फूड खाते हैं, या हमारी हेल्दी डाइट नहीं है, हमारी डाइट जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, इसकी वजह से जो है ऐसा हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और अल्कोहल की ड्रिंकिंग करते हैं, और या फिर कई बार आपके जो कुछ बीमारियां हैं वो भी इसका कारण हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, उसकी वजह से भी है जो है आपके हाई कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर पाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हाई कोलेस्ट्रॉल है ये आपका कम हो जाए, तो आपको इसके लिए स्मोकिंग ड्रिंकिंग छोड़नी होगी, और आपकी जो डाइट है उस पर आपको खास ध्यान देना होगा। अब ज़रूरी नहीं कि आप तला हुआ छोड़ देंगे, बाहर से खाना जंक फूड जो है वो छोड़ देंगे तो आप हेल्दी हो जाएंगे, आपका जो लिपिड है या लाइपोप्रोटीन्स हैं वो ठीक हो जाएंगे उनके लेवल्स, बट इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को क्या है, हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। हेल्दी डाइट का मतलब होता है कि आपकी जो डाइट है वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो, यानी कि उसके अंदर हर चीज़ प्रॉपर मात्रा के अंदर हो, चाहे वो फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जो भी है वो प्रॉपर मात्रा में आपके शरीर के अंदर जितनी चीज़ जानी चाहिए उतनी जाए, वो होती है हेल्दी बैलेंस्ड डाइट। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा। साथ ही अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि एडल 28 जो है वो इस दिक्कत में, यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल के अंदर बहुत ही अच्छे से काम करती है। आइए जान लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन चली हैं, और वो किस टाइम पे जो है आपको लेने की आवश्यकता है, और इसकी कितनी डोज जो है वो आप ले सकते हैं। जो ये एडल 28 है, सबसे पहले तो ये आपका जो फैट मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करती है, साथ ही जो आपकी रीनल एक्सक्रीशन को जो है वो मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है, भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको बाहर निकालने में किडनी के थ्रू हेल्प करवाती है। इसके अंदर डली है इक्सिटम, टाइनारा, टेरासेकम। दोस्तों, अगर हम इसकी डोसेज की बात करें तो आप इसको 3 बार दिन में ले सकते हैं। एक टाइम पे आप 15 से 20 बूंदें 1/4 कप पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।